फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक डोमेन नेम क्या होता है और आप कैसे एक डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं अपने बिजनेस या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक डोमेन नेम क्या है। तो इजी लैंग्वेज में मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो जैसे हम में से हर किसी का एक नाम होता है जिससे कि लोग हमें पहचानते हैं, हमें आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह से इंटरनेट में भी आपके वेबसाइट या ब्लॉग की पहचान के लिए एक नाम ज़रूरी है, जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं फ्रेंड्स। और एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, वो है डोमेन नेम। और इंटरनेट पे ऐसे आपको बहुत सारे डोमेन नेम रजिस्ट्रार वेबसाइट मिल जाएंगे जहां से आप एक डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ देखिए, हम आ चुके हैं bigrock.in वेबसाइट पे, जो एक अच्छा और रिलायबल डोमेन नेम प्रोवाइडर है। काफ़ी पुराना ये डोमेन नेम रजिस्टर वेबसाइट है और रिलायबल भी है फ्रेंड्स। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए इसी वेबसाइट पे आना है। आपका जहाँ से मन हो आप वहाँ से जाकर के एक डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। इंटरनेट में आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको जहाँ पे एक अच्छा डील मिले, डिस्काउंटेड प्राइस मिले, आप वहाँ से जाकर के एक डोमेन नेम खरीद सकते हैं। तो देखिए, यहाँ एक सर्च बॉक्स है, इस पर आपको टाइप करना है जो भी डोमेन नेम आप चाहते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के नाम से एक डोमेन नेम चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वो नाम टाइप करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम टाइप कर दिया है। नाम टाइप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने से पहले देखिए, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन चाहिए, जैसे कि .in या फिर .biz या फिर .net या .co.in, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए। सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डोमेन नेम्स अवेलेबल है उसका एक पूरा लिस्ट आ जाएगा। आपको जो भी डोमेन नेम रजिस्टर करना है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप प्राइस देख लीजिए। यहाँ एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, qualifiedtech.com जो डोमेन नेम है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, और इसका रीज़न ये है कि एक प्रीमियम डोमेन है। और रीज़न यही है कि देखिए, प्रीमियम डोमेन का मतलब यही होता है कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो काफ़ी सर्च किए जाने वाले वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, जिसके कारण से इस डोमेन नेम को प्रीमियम डोमेन के कैटेगरी में रखा गया है और इसका प्राइस ज़्यादा है। अब चलिए हम नीचे देखते हैं कि क्या और डोमेन नेम्स अवेलेबल है। तो देखिए, बहुत सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल है, जैसे कि .co.in, .xyz, .biz, .top, बहुत सारे आपको डोमेन नेम्स यहाँ पे मिल जाएंगे एक्सटेंशंस। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक डोमेन नेम मुझे यहाँ पसंद आ रहा है, जो है qualifiedtech.website, जो कि एक पॉपुलर डोमेन नेम है और अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। इसका जो रेगुलर प्राइस है फ्रेंड्स वो है 1469, बट अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, जो है 109 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, मतलब कि एक साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए ये हमें 109 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर से जब हम इसे रिन्यू करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, तो इसका प्राइस हमें लगेगा 1469। तो ये चीज़ आपको देख लेना है डोमेन नेम खरीदने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डोमेन नेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है फॉर द फर्स्ट ईयर, बट नेक्स्ट ईयर जब आप उसे रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस वहाँ पे पे करना पड़ सकता है, जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000। बट अभी आपको वो 100, 150, 200 रुपये में भी वो डोमेन नेम मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, qualifiedtech.xyz जो डोमेन नेम है ये काफ़ी सस्ता है, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, जो कि है सिर्फ 99 रुपीज़ में। ये डोमेन नेम हमें सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, बट नेक्स्ट ईयर से जब हम इसे रजिस्टर करना चाहेंगे तो ये हमें ज़्यादा हमें वहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए, हम आ जाते हैं जो डोमेन नेम हमें पसंद है qualifiedtech.website, और इसे ख़रीदने के लिए हमें बाय पे क्लिक करना है। बाय पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डोमेन नेम कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया तो ये हमारे माई कार्ट में ऐड हो चुका है, और जो हमारा टोटल अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे वो है 109 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, मतलब कि हमें 109 रुपीज़ प्लस कुछ टैक्सेस भी लगेगा, वो आपको नेक्स्ट पेज में दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमें कुछ सजेशंस दे रहा है, जैसे कि bigrock इंस्टेंट ऑनलाइन इन 2 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप 299 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको इंस्टेंटली एक पेज मिल जाएगा, एक वेबसाइट का एक पेज मिल जाएगा, सिर्फ वन पेज मिलेगा फॉर 299 अपने बिजनेस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हैं या फिर आप उसे ऐसे ही छोड़ दे सकते हैं। नीचे देखिए, एक वेबसाइट बिल्डर है, अगर आप ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट इसका चार्ज है 219 रुपीज़ पर मंथ। तो आप देख लीजिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड कीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिए। तो मैंने इसे ऐड नहीं किया
और कंटिन्यू टू चेकआउट पे मैंने क्लिक कर दिया है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ऑर्डर समरी आ चुका है। अब यहाँ एक चीज़ आपको देखना है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे प्राइस जो हमें दिख रहा है फाइनल प्राइस मतलब कि टोटल अमाउंट वो है 3040 रुपये। जो डोमेन नेम हमने चूज़ किया था उसका भी प्राइस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है और इसका रीज़न ये है कि ये 2 ईयर्स के लिए ऐड हो गया है। तो आप चाहे तो 2 ईयर्स के लिए खरीद सकते हैं बट हमें सिर्फ 1 ईयर के लिए अभी इसे रजिस्टर करना है। तो यहाँ देखिए 1 ईयर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था 109 रुपीज़ है, मैंने 1 ईयर के लिए इसे ऐड कर दिया। तो देखिए प्राइस यहाँ पे चेंज हो चुका है, वो है 109 रुपीज़। अब यहाँ देखिए 499 रुपीज़ का एक एडिशनल यहाँ पे सर्विस ऐड हो चुका है जो कि आपके पर्सनल या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है। तो अगर आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे अनचेक कर सकते हैं। तो मैंने इसे अनचेक कर दिया। अब देखिए फाइनल प्राइस जो हमारा आ चुका है वो है 129 रुपीज़, जिसमें कि डोमेन नेम का कॉस्ट है 109 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ है टैक्स और टोटल प्राइस हो रहा है 129 रुपीज़। यहाँ आप कूपन कोड अगर आपके पास कोई है तो आप कूपन कोड लगा सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको बिग रॉक की तरफ से या फिर किसी अदर वेबसाइट की तरफ से कोई कूपन कोड मिला है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और अगर वो कूपन कोड एक्टिव हुआ तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई कूपन कोड नहीं है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा फ्रेंड्स, या फिर सपोज़ आपके पास एक अकाउंट बिग रॉक में है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं बिग रॉक वेबसाइट पे, तो आप एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो कि देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा न्यू टू बिग रॉक। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं बिग रॉक पे। उसके लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप एक अकाउंट बना लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा अकाउंट बन चुका है और अब जो पेज आया है वो है फाइनली पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ हमें पेमेंट मेथड चूज़ करना है। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर कोई कार्ड से करना चाहते हैं या फिर वॉलेट से करना चाहते हैं, या फिर देखिए यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा डायरेक्ट डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, वो भी आप ऑप्शन अगर चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप बिग रॉक के वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं जो कि लास्ट ऑप्शन है। और उसके बाद आपको पे उस ऑप्शन को चूज़ करके आपको पे बटन पे क्लिक करना है और पेमेंट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। फाइनली देखिए फ्रेंड्स हमने पेमेंट कर दिया है और हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे देखिए ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा मैनेज DNS, जहाँ से आप DNS को मैनेज, डोमेन नेम सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। डोमेन फॉरवर्डिंग अगर आपको यूज़ करना है तो आप वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यही वो तरीका है फ्रेंड्स जिससे कि आप एक डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।